बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, मैं आज फिर एक नुस्खा गंधक कैमोनार का लेके आया हूँ और माशाल्लाह ये बहुत ही नुस्खा अच्छा है। मैं सिर्फ आपको कैमोनार बताऊंगा, आगे अपने तरीके से जिस तरह बनानी हो वो आप बना सकते हैं। आज का हमारा नुस्खा ये है कि इसको जब कैमोनार करना है तो इसके लिए सिर्फ दो अज्ज़ा चाहिए। वो क्या क्या होंगे मैं अपने प्यारे दोस्तों को सबको बताता हूँ। और वर्किया लेनी है अच्छे वाली। मैंने सिर्फ ये वर्क ला के रखे, ये हमारे वर्क हैं वर्किया के, ठीक है। और ये ही सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है और डली वाली आपने लेके आनी है जो इसके वर्क हों, ठीक है, और चमकदार हो। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जो भी कीमियागर है या कोई हकीम है, कुश्ताबाजी में, खुराकी पोशाकी दोनों में कोई भी काम करना हो जिसमें मैं कह दूं कि इसमें मुसाफा नहीं करना तो आपने नहीं करना, मैं बोल दूंगा। नहीं तो जितनी भी दातें हैं ये सारी आपने मुसाफा करनी है, उसके बाद आपने इस्तेमाली में लानी है मेरे साथ दोस्तों ने। तो गंधक होती है, गंधक को जितनी देर मुसाफा नहीं करना उतनी देर ये काम सही नहीं करती, इसका रंग पहले ही लाल कर देते हैं। और किया जाता है कीमिया में इसका रंग पहले से ही लाल कर दिया जाए तो ये काम में बहुत अच्छी आती है। और मेरे प्यारे दोस्तों ने इस तरह करना है कि आपने इस गंदा वर्किया को भी इसी तरह पहले मुदब्बर करना है। मुदब्बर की हुई मुसफ़ा शुद्ध 50 ग्राम की एक डली ये आपने लेनी है और 30 तोले कुचला अजराकी लेना है और 10 तोले बुलावे लेने। बुलावों को किसी रबट की ट्यूब में डाल के हाथों पे दस्ताने चढ़ा के उनको अच्छे तरीके से कूट लेना है। कूट कर जब उसका सफ़ू बन जाए वो दरड़ फरड़ सा बनेगा और उसके बाद आपने जो आपका पास कुचला पड़ा होगा आपने कुचले को सफ़ूफ उसका भी बनाना है और फिर दोनों चीज़ों को इकट्ठे करके उन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से खरल करना है मुंह लपेट के और हाथों पे दस्ताने चढ़ा के बहुत सेफ्टी के साथ, ताकि बुलावों का कतरा आपके किसी जिस्म के हिस्से पे ना लगे। जहाँ लगेगा वहाँ से छाले फूट जाएंगे तो फिर वो मसला ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं पहले अपने दोस्तों को और भाइयों को कह रहा हूँ। तो उसके बाद आपने एक कुजी लेनी है। कुजी लेकर ये जो दोनों चीज़ों का आपके पास नुक्ता बना होगा ये आधा उस कुजी के अंदर रख के ऊपर आपने मुसफ़ा की हुई गंदा वर्किया हड़ताल उसके ऊपर रख देनी है। तो फिर आपने वर्किया के ऊपर जो दूसरा आधा नुक्ता होगा वो आपने वर्किया के ऊपर रख देना है। रख के अच्छे तरीके से मज़बूत गिल हिकमत करके गड़ा निकालें जिसमें 4 किलो अपले आ जाएं। 4 किलो अपलों की आग आपने देनी है। 2 किलो नीचे रख देने हैं, 2 किलो इसके ऊपर रख देने हैं कुजी के चारों तरफ ऊपर नीचे लगा के। तो आराम से आपने आग लगा देनी है। जब आग लगा देंगे तो ठंडी होगी तो निकाल लें। फिर आपने यही अमल करना है, 50 ग्राम की डली, 30 तोले कुचला, 10 तोले ये भुलावे,
इसी तरीके से आपने इसको चार आगें देनी हैं, चौथी आग में अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह ये आपका कुश्ता तैयार है, कैमुन नार है। आप जिधर मर्जी इसको इस्तेमाली में ला सकते हैं। जो हकीम दोस्त हैं वो इसको ज़्यादा जानते हैं और जो कीमियागर हैं वो भी जानते हैं कि कैमुन नार को किधर लेके जाना है। हकीमों को पता है कि कैमुन नार मरकिया को या किसी भी कुश्ते को कैसे इस्तेमाली में लाया जाता है। तो मेरा काम था अपने प्यारे दोस्तों को मालूमात देनी, और आगे मेरे सब दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने अपने जेन से सारा काम करना है, क्योंकि अगला काम आपका है। और जो अनजान दोस्त हैं वो इसको ना बनाएं, ऐसे ख़र्चा ना कर दें। तो ऐसे करें कि अगर कोई शौक़ रखता है, बनाना चाहता है, तो वो इस तरह करे कि इसे ले और किसी अच्छे हकीम से रब्ता करके वो बना सकता है, उसकी ज़ेर निगरानी में रहकर बना सकता है। और जो मैंने पहले दो नुस्खे अभी दिए हैं वो एक तांबे का नुस्खा था और एक गंदा सिमल फारकानी, जो आज मैं लाहौर गया था तो उस वक्त मैंने वो, मुझे मेरे दोस्त ने कहा, हकीम साहब ने, कि इमरान भाई ये मैंने सेल करनी है तो लोगों की रहनुमाई के लिए आगे लोगों को दोस्त दें हकीम और फ़ायदा उठाएं और दुआएं लें। तो वो भी मैंने दी थी, उसमें मेरे जेन में नहीं था आया, मैंने नंबर भी देना था और इस वीडियो में मैं नंबर देता हूं, अपना नंबर दे देता हूं। मेरे नंबर पे मेरे साथ रابطہ करके आप मुझसे वो मंगवा सकते हैं, मैं आपको भिजवा सकता हूं, ठीक है। आपने उसका अपना एड्रेस सही तरीके से बता देना है, लिख के वॉइस मैसेज करके, जो मेरा नंबर है, बल्कि मेरा सारी हर वीडियो पे नंबर है। ये चार पांच वीडियो हैं कि तीन हैं, इन पे मैंने नंबर अपना नहीं दिया था, तो अब मैं इस पे नंबर भी दे देता हूँ। और मेरे दोस्तों ने मंगवानी हो तो वो मंगवा सकते हैं। असल एक नंबर वो सिंबल फारकानी है, आगे वो आपने इस्तेमाली में लानी है तो आपको पता है, और मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। आज की ये वीडियो थी, ओके अल्लाह हाफिज़। अपने इमरान भाई को दुआओं के साथ याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।